गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर 15 चैप्टर, और 15 चैप्टर का नाम है द यूज़ ऑफ वॉज वेर। वॉज और वर का आपको यूज़ करना है। तो ये ध्यान में रखें कि जो वॉज और वर है ये कब आता है, पास्ट टेंस में। इनका आप यूज़ कब करते हैं, जब बात किसकी हो रही हो, पास्ट टेंस की बात हो रही हो, मतलब जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम चला गया है, अगर पास्ट टेंस की बात होती है ना, तब हम वॉज और वर का एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसका यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए। अब कब वॉज का यूज़ करना है, कब वर का यूज़ करना है, तो देखें, वॉज हम अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, आई, ही में एक लड़का होता है, शी में भी एक लड़की होती है, कोई एक ही लड़की का अगर नाम दे दे आपको, जैसे सीता, गीता, और कोई एक ही लड़के का नाम दे दिया, रोहन वगैरह, कोई एक ही एनिमल बता दिया, अ लायन वगैरह, जैसे ही होता है, तो आपके एक ही अगर कोई भी चीज़ होती है, एक ही हो, है ना, सिंगुलर हो, तब आप जो क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और ये शेड वगैरह, आई वगैरह होता है उनके लिए भी आप वॉज यूज़ करते हैं। बाकी वेयर यूज़ करते हैं किसके लिए, प्लूरल के लिए, यू हो गया, ठीक है, यू है, फिर यू के लिए तो हमेशा वेयर यूज़ करना है। फिर इसके बाद में जो होते हैं दे, वी, इन सब के लिए, और देर। अब जो है यहाँ पे अगर ज़्यादा नाम भी दे दे, रोहन एंड मोहन, ज़्यादा लोगों के नाम भी दे दिए, एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा होना मतलब प्लूरल, ज़्यादा भी एनिमल्स ले दिए, बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होंगे, ज़्यादा बर्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब प्लूरल चीज़ें होती हैं ना, तब भी आप वेयर यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गई ये बात, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, इतना ही आपको समझना था इसके अंदर। अब हम देखते हैं जो एक्सरसाइज है वो, तो हमें एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एवर, आपको सूटेबल के हिसाब से चूज करना है। दे डैश इंजॉइंग, देखो मैंने कहा था दे है, दे के लिए क्या आएगा, वर आएगा। देर वॉज अ ट्री, एक ही ट्री है तो क्या आएगा, वॉज आएगा। अ रिच मैन, एक ही रिच मैन है तो क्या आएगा, वॉज। दे आ गया तो दे के लिए हम लगाते हैं वर। फिर इसके बाद में है द मंकी, एक ही मंकी है ना, तो वॉज आएगा। सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स हैं तो वर आएगा। इट, इट के साथ में लगता है वॉज। वाई वेर यू, यू के साथ में हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। द मैन, एक ही मैन है देखो तो वॉज लगेगा। दे के साथ में वर लगता है। फिर अ क्रो, एक ही क्रो है तो वॉज लगेगा। द किंग, एक ही किंग तो वॉज लगेगा। देर वर 20 पेशेंट्स, 20 ज़्यादा हैं, 20 हैं तो प्लूरल है, इसलिए वर लगना है। अशोक, एक ही लड़के की बात हो रही है तो वॉज लगना है। यहाँ पे दो लड़के हैं तो वर लगना है। फिर एक ही रिवर की बात हो रही है ना, अ रिवर, तो वॉज लगना है। भाविका, एक ही लड़की है तो वॉज लगना है। एंट्रीज, एंट्रीज देखो प्लूरल है तो वर लगना है। शी के साथ में वॉज लगता है। ज्योति, एग्जामिनेशन, एग्जाम कितनी होती है, ज़्यादा होती है तो वर लगना है। इस तरीके से बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था आपका, बहुत ही ज़्यादा इजी भी था। तो ये जो चैप्टर है आपको पूरा करवा दिया है, 15 चैप्टर, इजी ही चैप्टर है। अच्छे से आपको नोटबुक के अंदर भी ये पूरा आपको चैप्टर करना है। जितने भी, ये ध्यान में रखना कि जितने भी चैप्टर आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर करवाए हैं, सारे की एक्सरसाइज जो है आपको नोटबुक के अंदर करनी ही है।